हर बारे बनवारी बारे बनवारी तेरी आशा लगी मन में बारे बनवारी रोई थी द्रौपदी रज करी करी के भागे मेरे मोहन गरुड़ चढ़ी करी के करी नयवारी करी नयवारी भागे ते पलछन में वारे बनवारी पाती जब आई घबराए थे नरसी पाती जब आई घबराए थे नरसी रामा मेरी बेटी करी है कैसी अर्जी रामा मेरी बेटी करी है कैसी अर्जी भात की आई बारी भात की आई बारी लगन अति मन में वारे बनवारी वारे बनवारी वारे बनवारी तेरी आशा लगी मन में वारे बनवारी हंसी नहीं हमारी हंसी है मेरे श्री कृष्ण भगवान हम द्वार खड़े हैं सब तेरे आदरणीय समस्त श्रोता बंधु गुलशन कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष भागवत महापुराण से जिस समय
भगवान योगी राज कृष्ण ने उद्धव को भेजा, लेकिन समय की मार से इतने व्यस्त होते चले गए भगवान कन्हैया, वृंदावन नहीं पहुंच सके। और जब वृंदावन में नहीं पहुंच सके हैं, समय गुजरता चला गया। एक दिन भैया बलराम ने भगवान श्याम सुंदर से कहा है कि श्याम, उस दिन की याद भूल गए हो तुम, जिस दिन वृंदावन से मथुरा की ओर आए थे और माँ जसोदा से ब्रजवान की पुत्री राधा से आपने यही कहा था कि ही राधे, हम परसों लौट करके आऊंगा, याद करो उस शब्दों की तरफ। ब्रजवान की सुकुमारी से श्याम, ब्रजवान की सुकुमारी से और उस वक्त क्या कही, परसों लौट के हैरान क्यों भई। क्या कही, परसों लौट के हैरान क्यों भई। और बोल रहे हैं बलदाऊ भैया की, श्याम श्याम क्या कहें, ब्रज की बात खोल कर रुका नहीं जाता है हालत को देख कर। श्याम क्या कहें, ब्रज की बात खोल कर रुका नहीं जाता है हालत को देख कर, परसों की आए कह के वही बात कह रहे, अपना समझ के आप को रो रो के जी रहे, अपना और श्याम उस माँ जसोदा की हालत निपटा के काम काज को द्वारे पे बैठती, निपटा के काम काज को द्वारे पे बैठती, सुबह हो या शाम नहीं रात देखती, एक आस भरी नजरों से तेरी राह देखती, एक आस भरी। क्या कही और परसों लौट के हैरान क्यों भई। बलदाऊ ने कहा है कि श्याम, परसों की कह करके चले आए थे तुम और आज बरसें बीतती चली गई हैं, ये भी याद नहीं रही तुम्हें कोई भी अपनी बात कि हम परसों की कह करके चले आए और आज दिन तक हमने कोई खबर नहीं ली वृंदावन वासियों की। मेरी माँ, मेरे बाबा नंद कैसे होंगे। तो भगवान श्याम रो करके कहने लगे हैं कि भैया बलराम, मेरी तो हालत वो हो गई है जैसे एक चिड़िया के दो बच्चे थे। एक दिन तूफान आया तो उस चिड़िया ने तूफान के डर के कारण अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया, लेकिन वही तूफान जब 50 वर्ष बाद आया उस समय वो चिड़िया बूढ़ी हो गई थी। तूफान देख करके उस चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों से कहा है कि बेटा उड़ जाओ। क्यों? क्योंकि तूफान आ रहा है।
बच्चों ने कहा है कि तुम कहाँ जाओगी, चिड़िया ने कहा इसकी परवाह मत करो पुत्र, तुम जाओ। बालक तो दोनों उड़े चले गए, लेकिन उस तूफान में वो चिड़िया पत्थरों से और झाड़ियों से टकरा करके मर गई। लेकिन उन दो चिड़िया के बच्चों ने लौट करके ये नहीं देखा कि मेरी माँ कहाँ है, किस हालत में है। दोस्तों, भगवान श्याम रोने लगे हैं कि हे भैया बलराम, हम जाएं तो कैसे जाएं। माँ तुम पे भूल भई भारी, मैंने रख नहीं पायो ध्यान। रो करके भगवान श्याम कहने लगे हैं कि भैया, उस माँ का रेडी रहूंगा मैं जीवन पर्यंत। माँ तुम पे भूल भई भारी, मैंने रख नहीं पायो ख्याल। कैसे माँ के सम्मुख जाऊं, कैसे अपना मुख दिखाऊं। उस ममता के दर्शन पाऊं रे मेरी सब विधि लाचारी, मैंने रखू न कोई ध्यान। दाऊ भैया, अब मुझसे ज्यादा जाने की ब्रज मत कहो। क्यों दाऊ कहो न अब जाने की, हिम्मत नहीं है समझाने की। हिम्मत नहीं है समझाने की, याद आए मोए बरसाने की। रे मेरी रोती राधा प्यारी, मैंने रखू न कोई ध्यान। श्याम नहीं चलोगे? गाय रहो नीरज हर की गाथा, गाय रहो नीरज हर की गाथा। गाय गाय के मैं तुम्हें सुनाता, बाद में खुशालपुर को जाता। रे जहाँ प्रेम मिले भारी, मैंने रख नहीं पायो ध्यान।
तो भगवान श्याम कहने लगे हैं कि भैया हमें मत करो, जाने के लिए हमें बार बार मत परेशान करो, क्योंकि रोए रोए बूढ़ी भई बहाए नैनन से पानी, कैसे ब्रज में हुए है जानो, बात मेरी है नहीं ठिकानो, जिद अपनी थानी, रोए रोए बूढ़ी भई बाए नैनन से पानी, राधिका रानी, इसलिए भैया मेरे भ्रातु बांध ले दिल अपने में दीर, ब्रज बालों की याद करूंगा भरी भरी नीर, तासे मानो मेरी बात, ब्रज की सीध लगाए ले ओरी, तासे मानो मेरी बात, ब्रज की सीध लगाए लो जी। भगवान कन्हैया ने रोकर के कहा है कि भैया मैं जाऊं तो कैसे जाऊं ब्रज में, हम छलिया हैं, हमने झूठ बोला है राधा से, माँ जसोदा से, नंद बाबा से। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि भैया जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, उन दुखियों के सामने हम प्रस्तुत कैसे होंगे। तो भगवान के सामने बलराम भैया कहने लगे हैं कि हे कृष्ण, जब तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें पता है कि मैया जसोदा की हालत क्या होगी। मैया जसोदा सोचेगी, बलराम कहने लगे हैं कि श्याम कि मेरो मोहन नहीं आयो, मेरो मोहन नहीं आयो, मेरी मैया सोचेगी। मेरो मोहन नहीं आयो,
मेरी मैया सोचेगी बाबा से छुप करके नैनन भर रोवेगी, बाबा से छुप करके इसलिए कन्हैया कहने लगे हैं कि भैया आप तो समझते हो, समझाना माँ को। आत्मा मेरी साक्षी है उत्सुक हूँ दर्शन को, उलझन में फंसा काना समझाना मैया को। आत्मा मेरी साक्षी है व्याकुल हूँ दर्शन को, उलझन में फसाकाना समझाना मैया को। सुन करके खबर मेरी वो दौड़ी के से छुप करके नैनन भर रोवेगी, बाबा से छुप करके संदेश देना भैया हमारा माँ जसोदा को और कहना धीरज से समय काटो जाएगा रोग कभी, याद रही ऐसी मिलना हो जाए कभी, गर लगन रही समझाना मैया को। आंसू बरसा काना नहीं आयो मैनन भर रोवेगी, मेरो काना नहीं आयो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा है कि जाओ बलदाऊ भैया और मैया को समझाना कि हम जरूर आते लेकिन उलझने हमारे सामने बहुत हैं। तो बलदाऊ भैया कृष्ण को समझाने के बाद में और जिस समय चले हैं वृंदावन की ओर, चले हैं वृंदावन बलराम रोय के बोले हैं भगवान, चले हैं तैयार हुए हैं चलने के लिए मेरे दोस्तों। भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों में आंसू बहने लगे, जो गालों में लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए हैं। कहा है कि भैया जा रहे हो? हाँ, चले हैं वृंदावन बलराम रोई के बोले हैं भगवान, चले भैया जाओ। तुम जाओ जो समझो कहियो उन सबको
जो समझो कहियो, उन सब को धीर बंधियो। उन कारिणी रहे भैया, लज्जा से आँख नहीं उठती, जाने की दम नहीं जुटती। लज्जा से आँख नहीं उठती, जाइवे की दम नहीं जुटती। लज्जा से करता नहीं हृदय मेरा काम, रोई के भोले हैं भगवान। चले हैं वृंदावन बलराम, रोई के बोले हैं घनश्याम। चले हैं भगवान श्याम सुंदर से इस तरह से वार्तालाप करने के बाद में, और बलराम भैया जिस समय आगे चले हैं द्वारका से, जिस समय अब वृंदावन की ओर चले हैं, हृदय उनका भी काम नहीं कर रहा है, सोचते चले जा रहे हैं क्या होगा आगे। जैसे ही वृंदावन के पास में पहुँचे हैं, भगवान श्याम सुंदर ने कहा था कि किस तरह से हम जाएं, उनकी बातें याद करते हुए जा रहे हैं बलराम भैया। इधर जैसे ही प्रवेश किया है वृंदावन में, कि सुने घर घर सुने दर दर, कारण उनका रखवार न था। सुना श्रृंगार गोपियों का, कारण उनका श्रृंगार न था। श्रृंगार न था। गौए बछड़े सुनी सुनी मथुरा की ओर निहार रहे। सुने गुने गोपाल वहाँ, या उनका पालनहार नहीं। ज-
जिस समय बलराम भैया ने देखा है कि ब्रज में सब कुछ सूना है, वो भी दिन थे जब भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ में यहाँ पर रास रचाया करते थे। कभी काली देह पर आकर के, यमुना पर आकर के अपनी अन्य लीलाएं किया करते थे, आज वो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सूना ही सूना दिखाई दिया। दोस्तों याद रखना, ये समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। कभी हंसना है कभी रोना है, रामकुमार। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। समय की मार हुआ करती है दोस्तों। कोई सोता है ममता के तले, कोई दिल ममता को तरसता है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। भगवान श्याम सुंदर की विरह में वो वृंदावन आज वृंदावन नहीं रहा, आगे को बढ़ते चले गए हैं। जिस समय बलराम भैया सोच रहे हैं कि वो हिम्मत कैसे जुटाऊं अपने हृदय में, जो माँ जसोदा की बूढ़ी आंखों के सामने खड़े होकर के हम ये कह सकें कि तेरा पुत्र श्याम नहीं आया है। आगे बढ़कर के जब देखा है उस ब्रज में,
तो बलराम भैया ने देखा कि एक बूढ़ी माँ जसोदा वो दरवाजे पे शायद इसी आस से बैठी है कि मेरा पुत्र आज नहीं तो कल अवश्य आएगा। शायद सोच रही होगी माँ बस गो श्याम मुझसे बहुत दूरी, बस गो श्याम मुझसे बहुत दूरी, कैसे मैं बाई बुलाऊं। रे बछड़ा गाय की तरह मैं तो बिलख बिलख मर जाऊं। सोच रही है माँ बूढ़ी माँ बस गो श्याम मुझसे बहुत दूरी पे कैसे पास बुलाऊं। बारे बछड़ा गाय की तरह मैं तो बिलख बिलख मर जाऊं। मेरा पुत्र झूठो वायदा करके भज गो यहां से कुमरू हमारो, झूठो वायदा करके भज गो मेरी अखियन को तारो। लौट के नहीं बान हृदय ने मेरो द्वार ने आरो। दर्शन पाती समय आखिरी में लाला को जी भर के लख पाती। तो जा वृंदावन में मात की शीतल होती छाती। देखो सम्मुख रथ को जसुदा बागी बहराई, आवत देखो सम्मुख रथ को जसुदा बागी बहराई। बूढ़ी काया के कारण वो धरन गिरी गसुखाई। सुदा की जैसे ही दशा निहारी। कूदे रथ से व्याकुल हुई जान धरन गिरी महतारी। कूदे रथ थे भगवान श्याम सुंदर के विचार करते हुए जिस समय बलराम भैया आगे को बढ़ रहे थे, वो बूढ़ी मैया जसोदा दरवाजे पर आस लगाए हुए बैठी थी कब आएगा मेरा श्याम। इतने में जैसे ही वो रथ दिखाई दिया खड़ी होकर के लिए भागने के लिए चली है, लेकिन बूढ़ी काया होने के कारण वो माँ दो कदम चल करके आगे गिर गई। अपनी मैया की इज्जत
ये दशा देखी है बलराम ने, तो आगे बढ़ करके रथ से कूद करके अपनी माँ के पास में पहुँच गए और अपनी माँ को, माँ का सिर अपनी गोदी में उठा करके कहने लगे हैं, माँ जहाँ बेहोश है उस जगह जैसे ही बलराम ने अपनी मैया जसोदा के कानों में आवाज लगाई है कि माँ, तो माँ के नेत्र खुल गए। अकस्मात मैया के हृदय से मुख से एक ही आवाज निकली है कि बलराम, श्याम नहीं आयो मेरो, श्याम नहीं आयो है, श्याम नहीं आयो मेरो, श्याम नहीं आयो है। मेरा श्याम नहीं आया, कितना श्यानो भयो कुमारु मेरो, कितना श्यानो भयो कुमारु मेरो, नैनन नहीं निहारो है, श्याम नहीं आयो मेरो, श्याम नहीं आयो है, श्याम नहीं। बूढ़ी माँ की याद बिसारी इतनो भो निर्मोही, बूढ़ी माँ की याद बिसारी इतनो भो निर्मोही, बिना श्याम के वृंदावन में सूझे ना मोई कोई, जिस समय मैया जसोदा के हृदय से एक ही आवाज़ निकल रही है कि हमारा श्याम नहीं आया, जैसे टूटे हुए शब्दों से मैया के हृदय से आवाज़ निकल रही है कि हे बलराम, अकेले आए हो, हमारा श्याम नहीं आया। बलराम कन्हैया रो रहे हैं, अश्रुधारा उनकी आँखों से बह रही है और कह रही हैं कि माँ, तेरा पुत्र जो कृष्ण है वो बहुत ही उलझन में है, बहुत बार हमसे कहा कि भैया चलो वृंदावन में मैया के पास चलेंगे, लेकिन समय नहीं मिला। एक उलझन खत्म हो पाती है तो दूसरी तैयार हो जाती है, सिर्फ हम ही आ पाए तुम्हारे पास तक और वो कृष्ण सिर्फ आंसू बहाते रह गए, वो नहीं आ पाए। उसी समय दोस्तों नंद बाबा लाठी के सहारे से भैया बलराम के पास में आते हैं, टूटे हुए शब्दों से कहा है कि बलराम, श्याम नहीं आया है। भाग करके बलराम भैया ने अपने नंद बाबा के चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर करके कोई जवाब नहीं दे सके हैं, सिर्फ यही कहा कि वो सिर्फ आंसू बहाते रहे, आ नहीं सके। तब तक कुछ और आगे बढ़े हैं, देखा है
कुछ सखियां आपस में बातचीत करती हुई उधर आ रही हैं। कह रही है एक दूसरे से कि सखी, शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं, सखियां आपस में श्याम को याद करती हुई बातें कर रही हैं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बिन सजन हम सजन हमसे रहा जाता नहीं, मन में बिन पंख हमसे उड़ा जाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं, आपस में बातचीत कर रही हैं। ललिता कहने लगी है कि राधा, तूने श्याम के पीछे तू नहीं क्या, सारी ब्रज की गोपियों ने उस कान्हा के प्रेम में पड़ करके सारी उम्र सिर्फ इंतजार किया है, लेकिन मेरी समझ में तो एक ही बात आई राधा, कि सब कारे अजमाए बहना सब कारे, सब कारे अजमाए बहना सब कारे, सब कारे अजमाए काले जो हुआ करते हैं ना वो ऐसे ही होते। एक उदाहरण, कोयल के सुत का गा पाले, हंस हंस कंठ लगाए, बड़े सब काले अजमाए दीदी सब काले, सब काले अजमाए, सब काले जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं।
सारी उम्र हमने बिता दी है श्याम के इंतजार में, लेकिन वो वापस नहीं आए। एक सखी कहने लगी है कि राधे रोए ना, क्योंकि जब वो गए थे तो वादा करके गए थे और उस वादा के पीछे हमने जीवन गुजारा है। कि समझा के गए थे, समझा के गए थे, समझा के कहीं परसों मिले हम आके, बिलखता छोड़ गए वो मुखड़ा मोड़ गए, बिलखता छोड़ गए। इस तरह से वार्तालाप हो रहा है। एक और सखी कहने लगी है, राधा मैंने जो श्याम से प्रेम किया था वो मेरा प्रेम स्वार्थ का नहीं था, निस्वार्थ था। क्यों? प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। मगर मुझको ऐसा पता ही न था, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे।
हे सहेली, मैंने तो प्रेम इसलिए उनसे किया था कि जो जीवन में थोड़े कुछ हमारे दिन बचे हुए हैं वो गुजर जाएंगे। इस तरीक़ा से आपस में वार्तालाप कर रही हैं सभी सखियाँ। उधर तब तक बलराम भैया पहुँच गए हैं। बलराम भैया जो बैठे हुए जसोदा मैया और नंद बाबा से वार्तालाप कर रहे हैं, हाथ पकड़ करके बलराम भैया से और सभी सखियों ने कहा है कि हे दाऊ, क्या हमें पहचानते हो या भूल गए हो? बलराम भैया उन सखियों से कहने लगे हैं कि हे सखियों, तुम्हारे प्रेम से तो प्रेम भी हार गया। तुमने श्याम से प्रेम किया और जीवन पर्यंत उस प्रेम के कारण श्याम का इंतजार किया। उन्हें क्षमा करो, वो इतनी उलझन में हैं जो आपके पास नहीं आ पाए। और सच बात तो ये है सखियों, भगवान श्याम सुंदर सिर्फ एक या दो की संपत्ति नहीं है, वो सारे संसार की संपत्ति हैं। इसलिए सिर्फ उनसे प्रेम ही या प्रेम करने का जो स्वभाव तुम्हें मिल गया है वही काफ़ी है। सभी सखियां हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी हैं कि हे दाऊ भैया, हमारी विनती है भगवान श्याम सुंदर से कि कहाँ हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो कृष्ण कन्हैया, राधा के चित चोर, कहाँ लगाई देरी मेरी तुमसे लागी डोर। हे श्याम, उस दिन की याद करो। बंसी बजाई जब ही बन में ध्यान मगन गो, पी मधुबन में राधा व्याकुल मन में, हाँ राधा व्याकुल मन में, सुन मुरली को शोर, कहाँ लगाई देरी मेरी तुमसे लागी डोर। जब जब भगवान तुम्हें पुकारा, तुमने आकर दिया सहारा, लाज को मेरी रखना, लाज को मेरी रखना, निधि कहे कर जोर, कहाँ लगाई देरी मेरी तुमसे लागी दो।
सभी सखियों ने भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की है और यही कहा है कि हे बलराम भैया, हम अपने कृष्ण से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें इतना सौभाग्य मिला जो उनके चरणों की सेवा हमने कर पाई। दाऊ संसार के कुछ भी हम यही धारणा धारे हैं, उनके पद पावन देख सके इतने ही भाग्य हमारे हैं। उनके पद पावन देख सके इतने ही भाग्य हमारे हैं। राम कुमार नंग लाजो रे के वो ढोलक मधुर बजाते, के पी यादव खुशालपुर के मधुरी झनकार सुनाते। मीठी झनकार सुनाते हैं और पवन यादव मित्र हमारे जो पास हमारे विराजे हैं। खुशालपुर के ये गाथा तुम्हें सुनाते, जैसी देखी महापुराण में तो वैसी कलम चलाते हैं।